गई यार, ये भी चली गई। अरे क्या हुआ, कौन चली गई? विजय भैया फिर से ब्रेकअप हो गया मेरा। आई एम सो सॉरी फॉर यू ब्रो। एक मिनट, पिछले सारे ब्रेकअप्स की तरह कहीं ये वाला भी तूने तो इनिशिएट नहीं किया? हाँ भैया, इन्होंने भी शादी की रट लगा ली थी, और आप तो जानते ही हैं, रिलेशनशिप तो ठीक है, पर ये शादी वादी मुझसे ना कि टोपी की कसम। यार तू मिसोगमिस्ट है तो रिलेशनशिप्स में पड़ता ही क्यों है? कौन सा केमिस्ट? केमिस्ट नहीं, मिसोगमिस्ट। ऐसा कर, तू अपने रोहित और मनीषा की कहानी सुना, तब समझाता हूँ। रोहित और मनीषा की कहानी तो बड़ी फिल्मी है टोपी की कसम। बेचारे रोहित की माँ बचपन में ही जल बसी थी और उसकी चाची ने उसे बड़ा तंग किया, इसीलिए वो हर लड़की को बुरा समझता था। ऐसे ही मनीषा को बचपन में स्कूल में लड़कों ने बड़ा तंग किया, इसीलिए वो किसी लड़के को पसंद नहीं करती थी। लेकिन फिर दोनों मिले, प्यार हुआ और चटमंगनी पट गया। अ मिसोजिनिस्ट मैरिंग अ मिसैंड्रिस्ट, सच में बड़ी यूनिक लव स्टोरी है। भैया अब ये सस्पेंस खत्म कर ही दीजिए, है ना? बताता हूँ, पर उससे पहले एक बार बबलू अंकल का इंट्रोडक्शन भी हो ही जाए। अरे बबलू अंकल तो अलग ही लेवल पे खेलते हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी नहीं चला पाता, डॉक्टर गलत दवाई देता है, बेटा नालायक है, जिसे देखो उसे डांटते रहते हैं टोपी की कसम। हाँ, बिकॉज बबलू अंकल इज अ मिसैंथ्रोपिस्ट। ये चारों शब्द ग्रीक रूट वर्ड मिसो या माइसेन पर आधारित है, जिसका मतलब होता है टू हेट, नफरत करना। मिसोजिनिस्ट और मिसैंड्रिस्ट इस रूट वर्ड के साथ गायनी बोले तो वुमेन और एंड्रोस बोले तो मैन को मिलाकर बने हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति द्वेष भावना रखता है उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पुरुषों के प्रति द्वेष भावना रखता है उसे मिसैंड्रिस्ट कहते हैं। इसी तरह मिसोगमिस्ट इस रूट वर्ड के साथ गैमोस बोले तो मैरिज को मिलाकर बना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शादी के प्रति द्वेष भावना रखता है उसे मिसोगमिस्ट कहते हैं। इन तीनों शब्दों में पहले एस की आवाज स की आती है। मिसोजिनिस्ट, मिसैंड्रिस्ट, मिसोगमिस्ट। मिसैंथ्रोपिस्ट इस रूट वर्ड के साथ एंथ्रोपोस को मिलाकर बना है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन काइंड। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हर किसी के प्रति द्वेष भावना रखता है उसे मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ध्यान रहे कि इसमें पहले एस की आवाज ज की आती है। मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसोजिनिस्ट, 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 मिसोगमिस्ट, 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 मिसैंड्रिस्ट, 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 मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट। भैया आज के सेशन में बड़ा मजा आ रहा है टोपी की कसम। कूल, कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्सेस की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ये चारों शब्द किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में यूज हुए हैं, इसीलिए इनके एंड में आईएसटी सफिक्स लगा है। अगर हमें ये बताना है कि ये शब्द किन प्रथाओं पर आधारित है तो आईएसटी को हटाकर वाई सफिक्स लगा दो। पीजे भैया मैं ऑनलाइन दोस्तों के साथ ट्राई करता हूँ। मिसैंथ्रोपी, 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 मिसोगमी, 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 मिसोजनी, 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 मिसैंड्री, मिसैंड्री, मिसैंड्री। क्या बात है, ऐसे ही अगर हमें इनका यूज एज एन एडजेक्टिव या विशेषण की तरह करना है तो आईएसटी सफिक्स की जगह आईसी या ओयूएस सफिक्स का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसैंथ्रोपिक, मिसैंड्रस, मिसोगमस, मिसोजिनस। दोस्तों पहले शब्द पर विशेष ध्यान देना, मिसैंथ्रोपिक, 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 मिसैंड्रस, 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 मिसोगमस, 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 मिसोजनस, मिसोजनस, मिसोजनस। बहुत बढ़िया पोपी, एंथ्रोपोस पर कई शब्द आधारित हैं,
जैसे समाज और मानवता की सेवा करने वाले को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ऐसे ही मनुष्य के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं और स्त्री रोग विज्ञान को गायनेकोलॉजी कहते हैं, जो कि गायनी पर आधारित है। हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स ये बताएं कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट कौन सी प्रथा को फॉलो करता है और गायनेकोलॉजी को फॉलो करने वाले को या गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस करने वाले को क्या कहेंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट एंथ्रोपोलॉजी गायनेकोलॉजी। चल अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिफिक्सेस की बात करते हैं। मोनोज, बाई और पॉलीज का मतलब एक, दो या कई होता है। चल ये सोच के बता कि मोनोगमी, बिगमी और पॉलीगमी का क्या मतलब हो सकता है। भैया ये तो एक शादी, दो शादियां और कई शादियों की प्रथाएं लग रही हैं। करेक्ट। हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स ये बताएं कि इनके नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म्स क्या होंगे। भैया वैसे शादी ब्याह वगैरह सब मोह माया है, मेरा तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ के जंगलों में तपस्या करने चला जाऊं। ओए अब असेटिक बनने की एक्टिंग मत कर। असेटिक एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करता है। इस प्रथा या प्रैक्टिस को असेटिसिज्म कहते हैं। अरे भैया मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पचता है और जो ना खाए वो भी है।